इन दिनों बीजेपी के सभी नेता काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है और जायजा भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल चरखी दादरी पहुंचे, जहां सफाई को लेकर जायजा लिया गया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कृषि मंत्री ने शहर के कई इलाकों में गंदगी देखकर नाराजगी भी जाहिर की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बहुत सारे पॉइंट मैंने अधिकारियों को दिखाए हैं जहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि एक हफ्ते के बाद में देख रहे हैं, 10 दिन के बाद दोबारा देखने आऊँगा, सफाई चेक करूँगा, और वहाँ पर अगर सुधार नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी जिला स्तर के अधिकारी साथ हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य नारा है कि स्वच्छता जो है रखें, शहरों को साफ रखें, उसी से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारे शहरों को सुंदर बना कर रखें। सारे अधिकारियों को यह है कि जो जो कमियां हैं मैंने पॉइंट आउट करती हैं उनकी तरफ जो है समाधान निकला। तो वही कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि 24 दिसंबर को लोहारू हल्के के सिघानी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता सम्मान दिवस रैली की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और कई मंत्री नेता मौजूद रहेंगे। रविवार 24 तारीख को ऐतिहासिक गांव सिघानी में चौधरी चरण सिंह जी की यादगार में जो राष्ट्रीय किसान दिवस है उसको हम अन्नदाता सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। लाखों की भीड़ होगी, ज़बरदस्त पूरे ज़िले के अंदर उत्साह है और पूरा हमारा किसान मोर्चा, हमारे जो लोग चाहने वाले लोग मिलकर के इस सम्मेलन को कामयाब कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जमावड़ा भिवानी ज़िले के अंदर पहले कभी नहीं हुआ होगा। सब किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर आएं और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। इन दिनों सभी मंत्री नेता फुल एक्शन मोड में हैं। हर कोई आम लोगों की परेशानी को दूर करने में जुटा है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान करके उनका विश्वास हासिल कर सके। भिवानी से इंद्रवेश दुहन और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।